देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हारा बेटा है और बिल्कुल ठीक है। अपने बेटे के लिए इतनी चिंता थी तो पानी में क्यों कूद गई? अरे ये क्या कर रहे हो? अरे अरे ऐसा मत करो, उठ जाओ। मैं आपके पैर पड़ती हूँ नाना ठाकुर, मुझे रहने के लिए थोड़ी जगह दे दीजिए। एक कोने में पड़ी रहूंगी, किसी बच्ची को आप लोग ऐसे मरते हुए नहीं देखेंगे। वो तो आप लोगों का अपना ही है। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम समझी? मेरी बात नहीं सुनने से, ठीक से मेरी सेवा यतन नहीं करने से मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। बहू, ये लड़की तुम्हारी सखी है, तुम्हारे मायके के गांव की लड़की है, तो ये इतनी दूर से यहाँ अकेली आई कैसे? नहीं, मतलब असल में इतना झिझक क्यों रही हो? बताओ तो क्या हुआ है, थोड़ा साफ साफ बताओ तो मुझे। ये तुम्हारी सखी हो ही नहीं सकती। अगर ये तुम्हारी सखी होती तो अब तक तुम उसे अपने गले से लगा लेती। क्या हुआ है मुझे बताओ तो। मैं बड़ी अभागी हूँ माँ, बड़ी अभागी हूँ। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे मारिए काटिए जो कुछ कीजिए, सिर्फ यहाँ से भगा मत देना, भगा मत देना। आप मुझे भगा देंगी ना तो मुझे पानी में डूब के मरना पड़ेगा। मुझ पर दया कीजिए, मुझे भगा मत दीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। क्या कर रही हो? ओ लड़की, पैर छोड़ो कह रही हूँ, पैर छोड़ो। कौन हो तुम? पहले बोलिए, मुझे थोड़ी सी रहने की जगह देंगे? ये तो बहुत ढीठ लड़की है, कुछ भी नहीं सुन रही। कब से हम इसके पीछे पड़े हैं लेकिन ये तो कुछ भी नहीं बोल रही। कहाँ है तुम्हारा घर, तुम्हारा पति कहाँ है? ये सब बिना जाने तुम्हें कौन रहने देगा? और दरवाजे के बाहर के दरबानों को हटा देना चाहिए। कुछ भी पता खबर किए बिना किसी को भी अंदर आने दे रहे हैं। कुछ भी बिना जाने ही तुमने इसे गोद में उठा लिया।
इसे अंदर किसने आने दिया? ये महल के अंदर तक कैसे पहुंच गई? किसने हुक्म नहीं माना? कौन है वो? किस में आ गई है इतनी हिम्मत? सब लोग कहाँ हैं? सुबाला, पुत्तू, मुक्तो, कहाँ हो तुम लोग? बाहर कर दो इस लड़की को, बाहर कर दो। सबकी खबर लूंगी मैं, सबकी खबर लूंगी। कहाँ रहती हो? घाट पर मैंने क्या कहा था? क्या कहा था मैंने? देवर जी ने क्या कहा था? तुम लोगों में इतनी हिम्मत आ गई कि उनके हुक्म का पालन नहीं किया? चमड़ी उधेड़ लूंगी। मुझे मुझे कुछ पता नहीं था मालकिन, मैं यहाँ नहीं थी। बाहर निकाल इसको, बाहर कर। अब भी इसे बाहर निकाल, बोल रही हो ना, बाहर निकाल, निकाल इसे। ऐसा मत कीजिए माँ जी, मैं चरित्रहीन हो सकती हूँ, पापी हूँ, लेकिन मेरा ये बेटा आप लोगों के परिवार का है। क्या क्या कहा लड़की तुमने? हाँ, क्या बात कह दी तुमने? तुम्हारा बेटा इस परिवार का है, मतलब? बोलो चाची माँ। जोगी, जोगी, चुप, एक भी शब्द मत बोलना, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। ले जाओ इसको, ले जा। ऐसा मत कीजिए माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मैं बेटे की कसम खाकर कह रही हूँ, ये और किसी का नहीं, ये आपके परिवार के नाते दामाद की संतान है। अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो आप उनको बुलाइए, उन्होंने मुझे बेच दिया था, लेकिन मैंने तो उनको ही अपना पति माना है माँ जी। ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। ये लड़की, चल चल, मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए, चलो मेरी बात सुनिए। नहीं पुत्र दीदी, ये बच्चा मेरे पास ही रहेगा। ये सब क्या कह रही है भाभी? छोटे दामाद जी के नाम की उस बहू ने इतनी बड़ी बदनामी की, वो भी नाना जी के सामने, उसकी इतनी हिम्मत। मैं भी वही कह रहे हूँ देवर जी, उस बहू की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो इतना बड़ा झूठ बोलेगी। उसकी बात में अगर सच्चाई नहीं है तो वो इतनी हिम्मत कर ही नहीं सकती। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सच होने से छोटी बहन बिल्कुल टूट जाएगी, वो तो अपने पति को भगवान जैसा मानती है। भाभी, छोटी बहन के कानों तक ये खबर पहुंची नहीं है ना? नहीं, नहीं गई है, दादी माँ ने सबको अच्छे से समझा दिया है। छोटी बहू ने आज घाट पे एक मुसीबत खड़ी कर दी, कह रही थी उस बच्चे को साथ में लेकर घर आएगी, दादी माँ ने बहुत मुश्किल से रोका है। भाभी, रानी में बहुत बचपना है और वो तो गांव की लड़की है, यहाँ नहीं है, इसलिए उसे शहर के तौर तरीके कुछ पता नहीं है, सोच भी नहीं सकती है। पता है भाभी, आजकल शहर में कुछ लोगों में ये नया शौक देखा जा रहा है, उनके पसंदीदा व्यक्ति को अलग घर में रखने लगे हैं, उनके साथ गृहस्थी बसा रहे हैं, उनके बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, और दूसरी तरफ वो अपनी पत्नी के साथ भी घर बसा रहे हैं। दो जगह, दो दो पत्नी? हाँ भाभी, उनका मानना है कि एक से ज्यादा पत्नी नहीं होने से समाज में उनको सम्मान नहीं मिलता। दास परिवार का कोई इंसान ऐसा काम कर सकता है? ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ऐसा अनाचार करने के बारे में छोटे दामाद जी सोच भी कैसे सकते हैं? भाभी, देखना, ये सब बातें छोटी बहन को पता नहीं चलनी चाहिए। बड़ी बहू, तुम जल्दी एक बार बाहर आओ, सुबह जो औरत मिली थी वो घर में घुस गई है। ये तो क्या बोल रही है? और छोटी बहू तो उस बच्चे को इस घर में रखने की ही बात कर रही है। अरे सर्वनाश, छोटी बहू का दिमाग खराब हो गया क्या? देवर जी तुम चलो, नहीं तो आज अनर्थ हो जाएगा। चलो देवर जी, जल्दी चलो। चल चल, बोल रही हूँ ना, चल। अरे मुझे दो बातें सुननी पड़ेंगी, चल बोल रही हूँ ना, चल।
जा, चली जा यहाँ से। मैं चली जाऊंगी, सिर्फ मेरे बेटे को आप लोग अपने घर में रहने दीजिए। रहने दीजिए? अरे तुमने इस घर को सोचा क्या? अनाथ आश्रम या धर्मशाला है? छोटी बहू, इस बच्चे को दो, जरा दोनों को एक साथ भगाती हूँ। दो नहीं। कहा था ना इस बच्चे को गोद में मत लेना, दे दो बच्चे को, दे दो। दादी माँ, ये तो मासूम बच्चा है, इसको कहाँ फेंक देंगे आप लोग? कैसे इतने निर्दयी हो सकते हैं आप लोग? महालय के दिन इस बच्चे को इस तरह तकलीफ देंगे आप लोग? रानी, तुम कमरे में आओ। भाभी, आप लोग जाइए और बच्चे को संभालिए। रानी, तुम इसी वक्त कमरे में आ जाओ। मैं अगर यहाँ से चली गई तो सब लोग माँ के साथ बच्चे को यहाँ से भगा देंगे। शाम के वक्त ये लोग कहाँ जाएंगे बताइए मुझे, कहाँ जाएंगे ये लोग? आज महालय के दिन कोई कुत्ते बिल्ली को भी इस तरह से नहीं भगाता है। छोटी बहू मेरे साथ ऐसी दुश्मनी क्यों कर रही है माँ? उसका मैंने क्या बिगाड़ा है जरा बताओ। ये औरत झूठ नहीं बोल रही है, इसका क्या प्रमाण है बोलिए तो? ऐसी औरत को तुम लोग इस परिवार में रहने दोगे? छोटी बहू, एक अनजान अपरिचित महिला के लिए तुम क्यों ऐसा कर रही हो बेटी? हमारी बात तुम नहीं सुनोगी बेटी? तुम्हारे पति की बात भी तुम नहीं सुनोगी बेटी? मैं आप सबकी सारी बातें मानूंगी, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए उन्हें यहाँ रहने दीजिए ना माँ। सिर्फ आज रात की बात है, नहीं तो घर का असम्मान होगा। माँ, सिर्फ आज रात के लिए, कल सुबह क्या हो रहा है यहाँ? ये सब क्या चल रहा है? मैं सभी को बोल रहा हूं, कोई इनको यहां से भगा ना दे। छोटी बेटी, छोटे दामाद को खबर पहुंचाओ। उसको बोलो मैं बैठक खाने में उससे बात करना चाहता हूं। बेटी, मैंने तुम्हें अपने घर की लक्ष्मी माना है बेटी, तुम्हारी बात मैं टाल नहीं सकता। रहने दो, आज रात को इन्हें एक कोने में पड़े रहने दो। तुम एक काम करो, इस बच्चे को पुत्तू की गोद में दे दो। क्या हुआ छोटी बेटी? मैंने कहा ना छोटे दामाद को बुलाओ।
जैसे बाबू के साथ काशी भेज दिया, उसके बाद भी भाग गई कैसे? और भागी तो भागी पर एकदम दास परिवार के पास पहुंच गई। तो आखिर ये खबर उनके कानों तक पहुंच ही गई। तो किसने दी उनको ये खबर? जी मालिक, छोटी बहू ने एक दासी भेजी थी बड़े मालिक के पास, शायद। ठीक है, अब तू जा। ठीक। कुछ ज्यादा ही उछल रही है ये छोटी बहू। ठीक है, मेरा भी वक्त आएगा, अब इस छोटी बहू से मैं अपने तरीके से निपटूंगा। पिताजी आपको बुला रहे हैं बैठक खाने के कमरे में। चंदर की पत्नी ने ये खबर पिताजी के कान तक पहुंचा ही दी, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ये बता देता हूं। अरे इतने रोने धोने की क्या जरूरत है, मैं क्या मर गया हूं? सुनो, समाज के 5 लोगों के सामने खड़े होने के लिए ऐसे 2-4 परिवार रखने की जरूरत है। आजकल सारे लोग ऐसा ही करते हैं। तुम्हारे लिए ये उचित होगा कि पति के इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ देना, यही एक पत्नी का धर्म है। क्या गलत कहा मैंने? आप क्या कभी गलत कहते हैं? इसी बात को हमेशा याद रखना, राम रतन ना गलत करता है ना गलत बोलता है। आपने समाज में अपना मान बढ़ाने के लिए उस लड़की को एक दूसरे घर में रखा था, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन अपने बेटे के रहते हुए उस दूसरे बेटे को आप इस दुनिया में क्यों ले आए? जवाब मांग रही हो तुम? मुझसे जवाब मांग रही हो? सुनो, तुम्हारे बाप के घर पे रहता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देता रहूंगा। मैंने आपसे कोई जवाब नहीं मांगा है, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में, मैं सिर्फ अपने दुख की बात कह रही हूँ। इसका मतलब तुम जानना चाहती हो कि क्यों मैंने एक दूसरी औरत को रखा है, यही ना? तो फिर मेरा जवाब भी सुनो। ना तुम में वो रूप है, ना जवानी गुण, ना कोई आकर्षण है, कुछ नहीं। तो फिर मैं तुम्हारे साथ कैसे सुखी रहूं? इसीलिए मैं मजबूर हो गया था तुलसी जैसी एक औरत को अपने पास रखने के लिए। और तुम लोगों की वो छोटी बहू जब से इस घर में आई है सबकी जुबान बहुत चलने लगी है। सुनो, मैं किसी के कोई भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। याद रखना, राम रतन तुम्हारे भैया के जैसे अपनी पत्नी का गुलाम नहीं है। भाभी, आप मेहरबानी करके रानी को समझाइए, वो बच्चा कौन है? मुझे लगता है रानी ये बात समझ नहीं पा रही है। जब दादी माँ ये कह रही है कि उन दोनों को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, तब रानी क्यों नहीं समझ पा रही है? एक बार पूछिए तो उससे, उसकी जिद के कारण मैं घर के लोगों को क्या जवाब दूंगा? क्या रे? तू तो कुछ भी नहीं बोल रही है। देख, तेरी दया माया करुणा की बात हम सबको पता है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। जो करुणा दिखाने पर घर टूटता है, ऐसे करुणा दिखाने का क्या फायदा? एक बार देवर जी के पास सोच कर देख। सब मिलके मुझे डांट रहे हैं, मेरी क्या गलती है बताइए तो? वो तो छोटा है, मासूम बच्चा है, उसका कोई जात विचार होता है क्या? और उस लड़की का भी क्या दोष है? ऐसे शुभ दिन पर कोई किसी को इस तरह से भगा देता है? मैंने तो घाट पर कुछ नहीं कहा, लेकिन घर में। लेकिन तूने दादी माँ की बात नहीं मानी? दादी माँ ने ही तो मुझे सिखाया है, शरणार्थी को कभी त्यागना नहीं चाहिए,
यहाँ पर कितने गरीब लोगों को खाना और साथ में रहने को मिलता है। वो बच्चा और उसकी माँ क्यों क्यों एक रात के लिए यहाँ नहीं रह सकते, बताइए क्यों नहीं रह सकते? बोलो अभी यहाँ इसे आंसू बहाने की क्या जरूरत है? हम लोगों ने क्या इसे डांट फटकर लगाई है? हम लोगों ने तो सिर्फ कहा कि तुम शहर के रीति रिवाज नहीं जानते। आप ऐसे ही शहर की बातें खींच लाते हैं, शहर में क्या इंसान नहीं होते हैं बताइए? उनके पास दिल नहीं होता है, वो लोग सारे पत्थर के बन गए हैं क्या? जैसे गांव के लोग होते हैं ठीक वैसे ही शहर में भी होते हैं। रहने दो देवर जी, उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं। देखो वो एक महिला है, ये तो मानती है ना, महिलाओं को हर बार बीच में नहीं बोलना चाहिए। ससुर, सास, ननद, जेठ जी, इन सब के बात मानकर चलना पड़ता है। ये तो तुझे पता है ना? मुझे सब पता है। पिताजी, बुआ जी ने मुझे कई बार समझाया था, बार बार समझाया था कि रानी ज्यादा बकबक मत कर, ज्यादा बकबक मत कर। आपने देखा ना भाभी, आपकी छोटी देवरानी के पास हर एक चीज का ज्ञान है, सब पता है। हाँ, और सारा ज्ञान इस घर में बांटने आई है, ठीक कहा ना मैंने? क्योंकि तुम सुनते कहा हो। क्यों नहीं सुनूंगी, पर किसी को तकलीफ हो फिर भी क्या मैं चुपचाप रहूंगी? अगर भगवान रूठ गए तो? रघुवीर ने अगर पूछा कि मैं क्यों ये अविचार सहन कर रही हूँ, मैं तब क्या जवाब दूंगी? कोई तो मेरे साथ खड़ा नहीं होगा ना, कोई उनको नहीं बताएगा कि सबकी बात मानने के लिए ऐसा हुआ। अब देख रही है भाभी, बताइए तो इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? सच में उस औरत के साथ नाइंसाफी हो रही है। छोटे दामाद जी ने पैसों के लालच में एक औरत को ही बेच दिया। सच में मैं ये सोच भी नहीं सकता। दरअसल मैं उनके चरित्र पर सवाल उठा रहा हूँ। आजकल के शहरी बाबू ऐसी महिलाओं को रखकर समाज को गंदा कर रहे हैं। एक तरफ देवी पक्ष में देवी की आराधना चल रही है और दूसरी तरफ लड़कियां इतनी ज्यादा अपमानित हो रही है। भाभी बताइए ना, रानी इसका विरोध कर रही है तो हम उसी को गलत कहेंगे? मैं रानी के साथ हूँ भाभी, वही सही है, हम गलत हैं। सच में देवर जी, इस बहू का भाग्य देखकर मुझे जलन हो रही है। तुम्हारे भैया भी मुझे हमेशा सर पर रखते थे लेकिन इतना सम्मान कभी नहीं दिया। सच में तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरा नाम कलंकित करना चाहती हो? तुम्हें बनारसी बाबू के हाथ भेज दिया था ताकि मेरा पीछा छूटे, लेकिन मरने के लिए तुम इस दास परिवार में आ गई। तुमने क्या सोचा था, मेरा मान छीन के तुम्हें इस घर में मान मिलेगा? देखो देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूं। अरे साले साहब, तुम अचानक इस तरफ? जीजा जी, आप इस तरह से अमान भी काम नहीं कर सकते हैं। हमारे परिवार में औरतों के ऊपर हाथ उठाने का कोई नियम नहीं है। अच्छा तो कोई अगर मेरा मान सम्मान लेकर खींचातानी करे उसको सजा देने का अधिकार तो है ना मेरे पास? ये मत भूलना कि मैं इस घर का दामाद हूं। मैं तुमसे इस तरह के
बर्ताव की उम्मीद नहीं करता हूँ। मैं मान रहा हूँ इस वंश के भविष्य के उत्तराधिकारी तुम हो। भविष्य में इस वंश का पैसा, धन, दौलत, संपत्ति सब तुम्हें मिलेगा परंपरा के अनुसार। लेकिन जो कहा मिलेगा अभी भी मिला नहीं है, इसलिए इस घर में किसको कितना मान मिलेगा ये फैसला करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है साले साहब। अरे यहाँ तो सब लोग आ गए हैं। पूछो। क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ है मुझे बताओ। माँ क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। इस महिला को आज रात के लिए हमारे घर में शरण दी है, इसलिए ये जब तक हमारे घर में रहेंगी तब तक इनकी जिम्मेदारी हमारी होगी। जीजा जी इस महिला के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, कम से कम मेरे रहते मैं ये होने नहीं दूंगा। तब तो मुझे मान लेना पड़ेगा कि इस घर में एक चरित्रहीन महिला के आगे मेरा मूल्य बहुत ही कम है। अब आप भी बताइए नानी माँ, इसके बाद भी क्या इस घर में मेरा रहना ठीक रहेगा? नानी माँ वो क्या बोल रहे हैं? रो मत बेटी, रो मत। देख चंदन, मैंने कुछ दिनों से सोचा था कि तुम लोगों के बीच में नहीं बोलूंगी, लेकिन अब मैं और चुप नहीं रहूंगी। तूने सुध बुध सब खो दी है ना बेटा। हाँ राम रतन इस घर का दामाद है, उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर पाया तू? नानी माँ आप गलत समझ रही हैं। जीजा जी का अगर अपमान करना होता तो मेरे पास बहुत सारी तरकीबें थी। छोटी मेरी बहन है, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं ये नाइंसाफी होने नहीं दूंगा। लेकिन इस बुरी औरत के लिए तो... नानी माँ मुझे पता है कि जिस महिला की यहाँ बात हो रही है हो सकता है वो इस घर में रहने के लायक नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इन्हें बुरा बनाया है, चरित्रहीन बनाया है, वो लोग इस घर में इज्जत और सम्मान के साथ रह रहे हैं। इसीलिए मैं ये नाइंसाफी होने नहीं दे सकता। नानी माँ समाज की इस गंदगी को शायद मैं अकेले नहीं हटा पाऊंगा, लेकिन एक महिला की बेइज्जती होने से तो रोक सकता हूँ। चंदर महालय के दिन दामाद से ऐसी बात करना शोभा नहीं देता। दामाद को प्रीत राम ने बुलाया है, अगर ये जाता है तो अच्छा है। पिताजी मेरे पूछनी है, लेकिन दादी माँ अब मुझसे इस घर में रहना संभव नहीं होगा। देख रहा हूँ साले बाबू का व्यवहार दिन ब दिन बदलता ही जा रहा है, किसके प्रभाव से ऐसा हो रहा है मुझे पता नहीं। लेकिन तीसरी शादी के पहले तक मैंने साले साहब का ये रूप कभी नहीं देखा है। जीजा जी अगर आप रानी की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं तो मैं कहूंगा अगर रानी ने इस महिला के सम्मान की रक्षा की है तो उसने कोई गलत काम नहीं किया है। हाँ ये सच है कि उस सती होने वाली बहू की जिंदगी में बचा नहीं पाया, वो मेरी हार थी, लेकिन पूजा से पहले अपने घर में रहने वाली एक महिला मार खाती रहेगी और मैं चुपचाप रहकर ये देखता रहूं। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। अच्छा हुआ आप आ गए, आप जरा चंदर को समझाइए ना, थोड़ा समझाइए इसे। पूजा से पहले दामाद जी को इस घर से निकालने के लिए मजबूर कर रहा है, जरा समझाइए ना अपने बेटे को, थोड़ा समझाइए इसे, वो भी एक बाहर की लड़की को। मैं पूछ रही हूँ इस महिला को तुमने यहाँ एक रात के लिए रहने की इजाजत कैसे दी? मैंने तो सुना है कि बड़ी बहू भी नहीं चाहती कि इस घर में कुछ और अशुभ घटना घटे।
सिर्फ तुम्हारा बेटा और उसकी पत्नी के अलावा किसी ने नहीं चाहा कि ये महिला एक रात के लिए इस घर में रहे, और वो भी उसके बच्चे के साथ। मैं तो मान ही नहीं सकती हूँ कि इस बच्चे के साथ दामाद का कोई रिश्ता है। चंदर, चंदर, तुम्हारी नानी माँ ये क्या कह रही है? तुमने दामाद जी से क्या कहा? चंदर, एक बात याद रखना, दामाद जी इस परिवार के विशेष अतिथि है, हमें उनके काम पर विचार करने का अधिकार नहीं है। आज महालय है, इसीलिए मैंने उस लड़की को इस घर से बाहर नहीं निकाला, लेकिन कल ही मैं उसको बच्चे के साथ काशिया वृंदावन में भेज दूंगा। रामरतन, तुम्हें यही बात बताने के लिए मैं यहां आया था, तुम्हारा अपमान करने के लिए यहां नहीं आया था। छोटी बिटिया, क्यों इतना रो रही है बेटी? रो रो मत। देख, कुछ दिन बाद दुर्गा पूजा है, हमारे कितने काम पड़े हैं पता है ना? चलो हम जाकर तैयारी करते हैं। चल बेटी, चल चलो, चलिए। रोना बंद करो बेटा। चाची माँ आ जाइए। चलो चलो चलो, मैं रसोई घर से तुम्हारे बच्चे के लिए दूध लेकर आती हूँ, उसे बहुत भूख लगी है, मैं अभी लेकर आती हूँ, उसे पिला देना। ये क्या कर रही हो तुम? मेरे पैर क्यों छू रही हो? मैं तो तुमसे छोटी हूँ, उठ जाओ गाना। बहू रानी, काशी चले जाने से वो बाबू मुझे छोड़ेंगे नहीं। इसके बाप ने तो उनसे पैसे लिए हैं, और अगर वृंदावन में भेज देंगे तो अकेली नारी खुद की रक्षा नहीं कर पाएगी। तुम मेरा कुछ इंतजाम कर दो, कुछ इंतजाम कर दो, मैं तुम्हारी बहन पड़ती हूँ। इस घर में ससुर जी की आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता, तो मैं तुम्हें कैसे शरण दूँ बताओ? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, तुमने देखा नहीं इस घर के सारे लोग कैसे गुस्से में हैं? मेरे पति को कितनी बात सुननी पड़ी, मैं इस घर में किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे रघुवीर भी मुझसे मुंह मोड़ कर बैठे हैं, मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगी बोलो? कैसे बचाऊंगी मैं? इसके बाप ने तो उनसे पैसे लिए हैं, और अगर वृंदावन में भेज देंगे तो अकेली नारी खुद की रक्षा नहीं कर पाएगी। क्या हुआ रानी, कहाँ जा रही हूँ? रघुवीर के पास जा रही हूँ मैं, उनसे मुझे कुछ सवाल करने हैं। उन्होंने सीता माँ को क्यों त्याग दिया था? सीता माँ की तो कोई गलती नहीं थी, उन्हें लड़कियों के साथ ऐसी क्या दुश्मनी है? वो तो सती की भी रक्षा नहीं कर पाए, तुलसी की रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं, वो क्यों? युद्ध जीतने के लिए तो उन्हें महामाया को ही पुकारना पड़ा था ना? चारों तरफ माँ दुर्गा की पूजा होती है, देवी पूजा होती है, कुमारी पूजा होती है, लेकिन इस समाज में किसी भी लड़की को थोड़ा सा भी मान सम्मान क्यों नहीं मिलता? आज पिताजी ने आपको डांटा, तुलसी का मान बचाने के लिए देवी पक्ष में देवी वरण होती है, और इसी देवी पक्ष में तुलसी को विसर्जित कर दिया जाएगा, उसको
काशी भेजने पर वो बाबू उसे अपने साथ ले जाएगा और वृंदावन जाने से वो जिंदा ही नहीं रहेगी। हम लोग जानबूझकर उसे वहां क्यों भेजेंगे? क्यों भेजेंगे हम लोग? उस ब्राह्मण बहू को ब्राह्मणों ने मार डाला और हम लोग मारेंगे तुलसी को। शांत हो जाओ रानी, शांत हो जाओ। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी आंखों में आंसू मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। देखो रानी, हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं हैं। इन सारी कुप्रथाओं को एक दिन में बदलना संभव नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूं रानी, इन सब कुप्रथाओं के विरुद्ध में मैं जरूर लड़ूंगा। लेकिन इस वक्त तुलसी के लिए कुछ कर पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। तब तुलसी भी नहीं बचेगी, उसके बच्चे का क्या होगा? उसको भी ऐसे ही मर जाना होगा। देखिए, शहर में हमारा इतना बड़ा घर है, आंगन है, लेकिन उसके उसके रहने के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है हमारे पास। मुझसे और नहीं हो रहा, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। मैं यहाँ नहीं रह पा रही हूँ। अपने नहीं दिमाग को शांत करो रानी, दिमाग को शांत करो। अच्छा चलो, दोनों मिलके छत पर चलते हैं। छत पर जाने से शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर मैं उस योग्य बना तो इन सब कुप्रथाओं के विरुद्ध हमेशा लड़ता रहूंगा और एक दिन मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। समाज में एक तरफ समझदार लोग हैं, अंदर ही अंदर उन्हें महसूस हो रहा है कि लड़कियों के ऊपर अन्याय अविचार हो रहे हैं। तुम देखना रानी, एक दिन ये अन्याय अविचार खत्म हो जाएगा। इतनी रात को जाकर रोने की क्या जरूरत पड़ गई? बात तो हो गई है, उस महिला को इस घर से निकाल दिया जाएगा। वो तो तुम्हारी सौतन बनके तुम्हारे घर में नहीं रहेगी। एक बात पूछूं आपसे, गुस्सा मत कीजिएगा। उस लड़की में आपने क्या देखा? मुझ में क्या कमी है? मुझसे आपकी सेवा करने में कोई कमी रह गई थी क्या? देखो, इतनी रात को नींद से जाकर ये सब बातें मुझसे सहन नहीं होती। और इसके अलावा, अमीर घर की लड़की हो इसलिए तुम्हारा पति हमेशा तुमसे लाड़ प्यार करेगा, ऐसी बात कैसे सोच लेती हो? हा? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अमीर घर की बेटी होने पर मैंने कभी कोई अहंकार दिखाया है? जैसा कहा, जो जो हुक्म दिया उसके मुताबिक मैं नहीं चली हूँ क्या? बताइए। तुम मेरी सारी बातें सुनती हो, इसलिए अब मुझे तुम्हारी सारी बकवास सुननी पड़ेगी, है ना? देखो, एक पत्नी होकर पति की सेवा यतन करोगी, पति की बात मानोगी, यही स्वाभाविक है। इसके अलावा मैं उस लड़की को अपने पास क्यों रख रहा हूं वो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। समाज में मेरा एक मान है। समाज में मेरे भैया और पिताजी, उनका भी मान सम्मान है। क्या कहा? क्या कहा तुमने? तुम्हारे बाप भैया के साथ तुम मेरी तुलना कर रही हो? मुझे नीचा दिखा रही हो तुम? आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो कैसे कहा? तो कैसे कहा तुमने?
अब तो लगता है तुम्हारी सारी जली कटी बातें मुझे सुननी पड़ेगी। अब तो ये भी कहोगी कि मैंने तुम्हारे बाप का पैसा खा रखा है। सुनो, तुम ना मुझे अपने भैया के जैसे पत्नी का आंचल पकड़ने वाला मत समझना। किसी को कोई भी जवाब नहीं दूंगा। भूलना मत किसके सामने खड़ी होकर बात कर रही हो। और इसके अलावा तुम्हारे अंदर इतनी सारी बातें इस वक्त आई कैसे हो? कुछ दिन पहले तो तुम मुझे देवता मानकर मेरी पूजा करती थी, हाँ? अब उस देवता से सवाल कर रही हो तुम, हाँ? निकलो, इस कमरे से निकलो। अब तो मेरा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे ऊपर हाथ उठ जाएगा ना, तब कुछ मत कहना।